हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड हमने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और हमें ये पता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये यूनिसेल्युलर है और इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है और इन प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया सो बैक्टीरिया आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ माइन्यूट यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच हैव बीन क्लासिफाइड एज प्रो सेल डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग मेथड इस बैक्टीरिया के दो टाइप्स है पहला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या है तो इसे ही आज हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सो आवर टूडेज टॉपिक इज ऑन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बट इन दोनों में एग्जैक्टली exactly क्या डिफरेंस है ये देखने से पहले स्टेनिंग मेथड क्या होती है ये पहले हम समझ लेते हैं टेन इज अ कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट दैट कैन हेल्प टू डाइग्नोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो कौन से टाइप के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है ये हम इस स्टेज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मतलब हमें तो ये पता है कि हमारे अर्थ पे बहुत से टाइप के बैक्टीरिया हैं कोई हार्मफुल है तो कोई यूजफुल है किसी का शेप ब्रॉड शेप है तो कोई सर्कुलर शेप के बैक्टीरिया है तो इतने सारे जो बैक्टीरिया है तो इन सारे बैक्टीरिया को हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते हैं तो इतने सारे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन को तो करना ही पड़ेगा तभी हमें पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का बैक्टीरिया है और इसने कौन से टाइप का इन्फेक्शन किया है सो so, इसका क्लासिफिकेशन ये स्टेनिंग मेथड से किया जाता है तो इनमें से कुछ बैक्टीरिया स्टेनिंग के बाद वॉयलेट कलर के हो जाते हैं तो कोई बैक्टीरिया ये पिंक कलर के हो जाते हैं ये स्टेनिंग मेथड चार स्टेप में होती है जैसे कि मैं यहाँ पे आपको रफ आइडिया दे देती हूँ बट इसके ऊपर अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो तो स्टेनिंग मेथड के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बैक्टीरियल कल्चर चाहिए जिसमें बैक्टीरिया होता है ओके okay, अब ये बैक्टीरियल कल्चर हमें इस लाइट के ऊपर लेना है और इसके ऊपर हमें क्रिस्टल वॉलेट डाई डालना है एक प्रकार का ये डाई होता है क्रिस्टल वॉलेट कलर तो इसे हमको इसके ऊपर डालना है बैक्टीरियल कल्चर का हमने जो ड्रॉप लिया है उसके ऊपर हमें इस क्रिस्टल वॉलेट डाई को डालना है फॉर सिक्सटी सेकेंड अब सिक्सटी सेकेंड के बाद इसे हमें टैप वाटर के नीचे वॉश करना है उसके बाद हमें आयोडीन से उसे वॉश करना है सिक्सटी सेकेंड के तक उसके बाद हमें इथिल अल्कोहल से उसको वॉश करना है और लास्टली एक दूसरे टाइप का डाई जो कि पिंक कलर का होता है जिसका नाम है सेफ्रेनिन तो सेफ्रेनिन को हमें उस बैक्टीरियल कल्चर को 45 फाइव सेकेंड तक के लिए उसके ऊपर डालना है अब उसको भी लास्टली हमें वॉश करना है और उस लाइट को हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है अब जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उस बैक्टीरियल कल्चर में अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो वो पिंक कलर के हो जाएंगे और अगर उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वो वायलेट कलर के हो जाएंगे तो ऐसे क्यों होता है मतलब जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक कलर के दिखाई देंगे और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो वायलेट कलर के दिखाई देते हैं तो ऐसे क्यों होता है तो इसके आंसर के लिए इस डायग्राम को देखिए ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की आउटर लेयर और ये है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की आउटर लेयर तो नीचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है सेल वॉल तो ये आपको पता है ठीक है तो जो सेल वॉल है तो सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिंगल लेयर से बनी है जो कि है पेप्टेडोग्लाइके बट जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल डबल मेम्ब्रेन से बनी है उनमें से एक है पेप्टेडोग्लाइके जो बहुत पतली है और उसके ऊपर है आउटर मेम्ब्रेन तो यहाँ पे देखिए ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फिर आउटर मेम्ब्रेन है क्या नहीं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं है तो इस वजह से जब भी हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर स्टेन डालेंगे तो उन दोनों स्टेन में से सिर्फ पहला जो हमने डाला था क्रिस्टल वॉयलेट तो क्रिस्टल वॉयलेट कलर वो डायरेक्टली एप्सऑफ कर लेंगे क्योंकि वो सिंगल लेयर से बना है उसकी सेल वॉल ये सिंगल लेयर से बनी है तो इस वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग के बाद वॉयलेट कलर के दिखाई देंगे बट जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है ये दो लेयर से बने हैं तो इस वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन पहले डाई को एब्सॉर्व नहीं कर कर पाती और जो दूसरा डाई हमने डाला था जो कि था स्टेन आ, सेफ्रेनिन तो वो सेफ्रेनिन को इजीली एब्सॉर्व कर लेंगा और इस वजह से उसका कलर पिंक हो जाएगा जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है अगर ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आई है तो चलिए अभी हम इनका डिफरेंस समझ लेते हैं तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है सेल वॉल का तो मैंने अभी बताया है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो सिंगल लेयर से बनी है और वो स्मूथ सेल वॉल है बट जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वो डबल लेयर से बनी है और वो वेवी सेल वॉल है वेव्स में वो दिखाई देंगे नेक्स्ट जो है सेल वॉल की थिकनेस तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो सिंगल लेयर है बट उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है वो है ट्वेंटी टू एटी नैनोमीटर और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है उनकी थिकनेस एट टू टेन नैनोमीटर की थिकनेस रहेगी नेक्स्ट है पेप्टेडोग्लाइकिन लेयर तो हमने देखा था कि पेप्टेडोग्लाइकिन लेयर दोनों इसमें है बट ग्राम निगेटिव में वो बहुत पतली थी तो पेप्टेडोग्लाइकन लेयर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में है वो ठीक है मोटी है ऑल्सो कॉल्ड मल्टी लेयर तो उसे मल्टीलेयरड पेप्टेडोग्लाइकेन की लेयर भी कहा जाता है और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उनमें पेप्टेडोग्लाइकेन की लेयर थीन रहेगी और वो सिंगल लेयर भी हम उसे कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आउटर मेम्ब्रेन तो हमें पता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन अपसेंट है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट है तो ये डिफरेंस समझने के लिए आपको वो डायग्राम ध्यान में रखना पड़ेगा इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि है नेक्स्ट डिफरेंस लिपिड कंटेंट का तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास वेरी लो लिपिड कंटेंट रहेगा और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के पास ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट का लिपिड कंटेंट रहेगा नेक्स्ट है मीजोजूम का पॉइंट इट इज़ मोर प्रोमिनेंट तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास मीजोजोम होते हैं बट वो मोर प्रोमिनेंट होते हैं जैसे कि इस डायग्राम में देखिए अब आपको मीजोजोम क्या है ये तो पहले पता होना चाहिए तो पहले मीजोजोम क्या है ये समझ लो जैसे कि आपको पता है कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होती है जो कि आउटर कवरिंग है और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है ठीक है अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अगर ऐसे अंदर के साइड में फोल्डेड अगर हो जाती है तो अभी वो जो स्ट्रक्चर बना है उसे हम मीजोजोम कहेंगे ओके तो मीजोजोम डीएनए रेप्लिकेशन में भी काम आता है रेस्पिरेशन में भी काम आता है तो मीज़ोजोम के बहुत से फ़ायदे हैं इसके ऊपर हम एक वीडियो बना लेंगे अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो ठीक है तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके पास जो मिजोजोम है वो मोर प्रोमिनेंट है बट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के पास मिजोजोम है बट वो लेस प्रोमिनेंट रहेगा नेक्स्ट जो डिफरेंस दि, है इन दोनों का वो है लिपोपोलीसेकेराइट का तो लिपोपोलीसेकेराइट ये अपसेंट है इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपोलीसेकेराइट ये प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरिया तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और ग्राम नेगेटिव ये एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन दोनों को ही प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट है, है फ्लैजेला स्ट्रक्चर तो फ्लैजेला क्या है आपको पता होगा कि बहुत से बैक्टीरिया होते हैं वो खुद के मूवमेंट के लिए उनके ऊपर ऐसे फ्लैजेला रहता है जो उसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है तो जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरिया का आउटर कवरिंग सेल वॉल होता है और सेल वॉल के नीचे ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है तो ये फ्लैजेला इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल से होके ऐसे बाहर के डायरेक्शन में होता है जो कि हम उसे कहेंगे फ्लैजेला जो लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है फ्लैजेला ये तीन पोर्शन से बना है वो कौन सा है सबसे अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो बेजल बॉडी रहती है ओके okay? तो सपोज दिस इज बेजल बॉडी अब बेजल बॉडी के बाहर का पोर्शन जो रहेगा वो रहेगा हुक और हुक से निकलेगी ऐसी फिलामेंट तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लैजेला तो सबसे पहले रहेगा बेजल बॉडी उसके बाद में रहेगा हुक और नेक्स्ट है फिलामेंट तो इन तीनों से फ्लैजेला बनेगा ठीक है अब जो बेजल बॉडी होती है वो रिंग से बनी होती है अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला है जिसका जो बेजल बॉडी है वो बेजल बॉडी अगर दो रिंग से बनी हुई है तो उस बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे जैसे कि इस डायग्राम में देखिए ये पहली रिंग और ये दूसरी रिंग तो ये दो रिंग से बना हुआ होता है तो उसे हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कोई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जिनकी जो बेजल बॉडी होती है वो बेजल बॉडी चार रिंग से बनी होती है तो इस डायग्राम में देखिए पहली दूसरी तीसरी और चौथी ऐसे चार रिंग से अगर किसी की बेजल बॉडी किसी फ्लैजेला की बेजल बॉडी जो है अगर वो चार रिंग से बनी हुई होती है तो उन बैक्टीरिया को हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन दोनों में तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनका फ्लैजेला दो रिंग से बना होता है जो कि बेजल बॉडी में है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो बेजल बॉडी है उनकी जो रिंग है वहाँ पे नंबर ऑफ रिंग फोर रहेंगे तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया रहेंगे नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है ग्राम स्टेनिंग का तो ग्राम स्टेनिंग मेथड मैंने पहले ही बोल दी है तो इस वजह से ये पॉइंट आपको इजी जाएगा अभी तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है तो वो स्टेनिंग के बाद ग्राम क्रिस्टल वॉयलेट कलर वो एब्सॉव करेगा बट जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक कलर को एब्सॉव करेगा जो कि है हमारा सेप्रेनिन ठीक है तो ग्राम पॉजिटिव ये रहेंगे वॉयलेट कलर के और ग्राम निगेटिव रहेंगे पिंक कलर के नेक्स्ट है पॉइंट मॉर्फोलॉजी का तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो जनरली कोकाय होते हैं कोकाय दैट मीन्स वो स्पेरिकल शेप के रहेंगे ऐसे बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्पोअर फॉर्मिंग रॉड होते हैं और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वो नॉन स्पोअर फॉर्मिंग रॉड होते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है स्टेफेलो और स्ट्रेप्टोकोकस और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वो साल्मोनेला टाइफी वगैरह जो भी ग्रुप है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आएंगे तो ये होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू